भारी दबाव और थू-थू के बाद बीजेपी ने कुलदीप सेंगर से किया किनारा। उन्नाव रेप का कलंक, कुलदीप सेंगर आखिरकार बीजेपी से हुए आउट। उन्नाव रेप मामले के आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर बीजेपी की काफी फजीहत हो रही थी। हालांकि बीजेपी ये कह रही थी कि सेंगर को पार्टी से काफी पहले ही निलंबित किया जा चुका है, लेकिन जब विपक्ष और मीडिया का भारी दबाव पड़ा और देश भर में थू-थू होने लगी, तो फिर बीजेपी ने कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने का फैसला किया। असल में उन्नाव रेप मामले को लेकर कुलदीप सिंह सेंगर के बीजेपी में बने रहने पर तीखे सवाल किए जा रहे थे। वैसे तो कुलदीप सिंह सेंगर पर साल 2017 से ही रेप का आरोप है, लेकिन वो बीजेपी में बने रहे। बीते दिनों उन्नाव गैंग रेप की पीड़िता कार हादसे का शिकार हुई और हादसे में पीड़िता की चाची, मौसी और कार ड्राइवर की मौत हो गई थी, जबकि पीड़िता और उसके वकील की हालत नाजुक बनी हुई है। इस कार हादसे को साजिश की नज़र से देखा जाने लगा है। इतना ही नहीं, इसके पीछे सेंगर को ही आरोपी माना जा रहा है। ऐसे में अब जाकर बीजेपी आलाकमान ने सेंगर को पार्टी से निकालने का फैसला किया है। इससे पहले हादसे के बाद से ही विपक्षी दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। प्रियंका गांधी ने तो कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी में बने रहने को लेकर सवाल उठा दिए थे। चौतरफा दबाव के बाद यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह सामने आए और कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर को काफी पहले ही पार्टी से निलंबित किया जा चुका है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के इस दावे पर ही सवाल उठने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रदेश बीजेपी नेताओं को ये याद नहीं है कि रेप मामले में गिरफ्तार होने के बाद सेंगर कब निलंबित किए गए थे। उनके निलंबन की चिट्ठी तक किसी ने नहीं देखी। विपक्ष प्रदेश की योगी सरकार पर कुलदीप सेंगर को संरक्षण देने का आरोप लगाने लगे। प्रदेश सरकार से लेकर बीजेपी से चौतरफा सवाल पूछे जाने लगे। आलम यह हुआ कि कुलदीप सेंगर बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए। लेकिन अब आखिरकार चौतरफा दबाव और थू-थू के बाद बीजेपी ने उन्नाव रेप के आरोपी विधायक कुलदीप सेंगर से किनारा करने का फैसला किया और उन्हें पार्टी से निकाल दिया गया। इंडिया न्यूज़ पैनल की रिपोर्ट।